दोस्तों अब तक MCU के टोटल 23 मूवी आ चुके हैं और हमें कई सारे कैरेक्टर्स का डेथ देखने को मिल चुका है जो कि दोस्तों हमारे आंखों में आंसू ला चुका है। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में और आज हम बात करने वाले हैं MCU के टॉप 10 हार्ड वर्किंग डेथ के बारे में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बस इतना बताना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इस रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस ना कर सके। दोस्तों जब MCU में किसी कैरेक्टर का डेथ होता है तब दिल वाकई में बहुत रोता है। एक्चुअल में फ्रेंचाइजी पहले से अपने कैरेक्टर्स को किल करने में इच्छा नहीं रखता था, लेकिन एवेंजर एंड गेम में MCU ये साबित कर चुका है कि आखिरकार ये भी अपने कैरेक्टर्स को गुड बाय बोल सकता है, चाहे ये बहुत ही चहेता हीरो हो, साइड कैरेक्टर हो या तो कोई चहेता विलन हो। इन सबका डेथ फैंस को वाकई में बहुत रुलाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसे MCU के डेथ को लेके आए हैं जो कि दोस्तों बहुत ही दुखदायक है। तो दोस्तों ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए काउंटर स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 गमोरा। दोस्तों आप सभी जानते होंगे थेनस के खिलाफ फाइट करना सबके लिए पर्सनल हो गया था और थेनस का फेवरेट बेटी गमोरा ही थी, लेकिन यूनिवर्स को बचाने के लिए गमोरा को अपने कॉम्प्लिकेटेड फिल्म्स का सामना करना था। वार्मिन प्लैनेट में गमोरा खुद को फिर से थेनस का कोई ट्विस्टेड प्लान में पड़ती है, लेकिन थेनस गमोरा को कन्विंस करता है कि वो गमोरा का बहुत ही केयर करता है और उसका लाइफ को सेक्रीफाइस करना पड़ा था, और ये सीन की वजह से थेनस की आंखों में आंसू छलक आए थे। लेकिन दोस्तों एक फास्ट फैशन की गमोरा को एंड गेम में लाया गया था। चाहे दोस्तों कुछ भी हो, लेकिन असली गमोरा का डेथ सही में बहुत ही हार्ट फकिंग मोमेंट था। अब इस वन लाइन पे आता है ग्रूट। दोस्तों भले ही गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी सबसे ज्यादा दिल जीतने वाले हीरोज नहीं थे, पर उन सब में से ग्रूट फैंस का चहेता था। एक बड़े ट्री को ये मूवी में फर्स्ट टाइम के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ भी सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी रहता था। एक समय में ग्रूट दूसरे गार्डियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था। सैक्रिफाइस होने से पहले ग्रूट बोलता है, वी आर ग्रूट। ये मोमेंट भी बहुत ही हार्ड वर्किंग मोमेंट था। लेकिन दोस्तों आगे चल के हमें सीक्वल में एक बेबी ग्रूट भी देखने को मिल जाता है। बाद में दोस्तों फिर जेम्स गन ने कंफर्म किया था कि ओरिजिनल ग्रूट का डेथ हो गया था। अब इस पर 8 पे आता है विजन। दोस्तों इनडायरेक्टली विजन सभी इन्फिनिटी स्टोन में से एक है। एक्चुअल में दोस्तों विजन को इस चीज का डर रहता है कि कहीं उसका माइंड स्टोन को थेनस ना लेके जाए, इसलिए ना चाहते हुए भी विजन स्कारलेट विच को कन्विंस करता है कि स्कारलेट विच उसे खत्म कर दे, क्योंकि दोस्तों थेनस वो माइंड स्टोन को ना पा सके। स्कारलेट विच के लिए ये बहुत ही हार्ड वर्किंग मोमेंट था कि उसको अपने हाथों से अपने लवर का किल करना पड़ रहा था, लेकिन विजन का डेथ होने के बाद थेनस टाइम को रिजर्व करके फिर से वापस ला लेता है और उसके सर से स्टोन को निकाल लेता है, और दोस्तों ये चीज भी बहुत ही हार्ड वर्किंग था। अब इस वर्षन पे आता है फिल कॉल्सन। दोस्तों बहुत ही कम फैंस को पता होगा कि फिल 5 साल से सील्ड के एक एजेंट के हिसाब से काम कर रहे थे। यहाँ पर दोस्तों फिल का हार्ड वर्किंग डेथ MCU में फर्स्ट टाइम था जो कि दोस्तों फैंस फेस किए थे, और फिल कॉल्सन मला भी तो एक विलन के हाथों जिसको हम आशा करते थे कि वो आगे अच्छा हो जाएगा। एक्चुअल में फिल कॉल्सन लुकी से अकेले ही भिड़ गए थे और उस दौरान वो अपने लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिए थे, और दोस्तों कॉल्सन का बहुत ही जॉयफुल एटीट्यूड रहा है, लॉयल बिहेवियर रहा है, जिसकी वजह से ये फैंस के बीच में फेवरेट हो गए थे। अब इस 6 पे आता है हॉवर्ड और मारिया स्टार्क। दोस्तों टोनी स्टार्क के पेरेंट हॉवर्ड और मारिया का मौत का जिम्मेदार विंटर सोल्डर ही था, जो कि दोस्तों एक सीक्रेट है। टोनी जब पुरानी सिक्योरिटी फुटेज देखता है तब वो देखता है कि बकी स्टार्क को पीछा कर रहा था और फिर हॉवर्ड को मार के मारिया को भी मार दिया था। यहाँ पर दोस्तों विंटर सोल्डर के माइंड के साथ कुछ मैनिपुलेट किया गया था, इसीलिए वो ये सब किया था, लेकिन दोस्तों एक्चुअल में ये बहुत ही हार्ड वर्किंग था। हम इसलिए नहीं बोल रहे थे कि हमें टोनी स्टार्क का रिएक्शन अच्छा नहीं लगा, बल्कि दोस्तों ये एक्चुअल में हार्ड वर्किंग डेथ था टोनी के लिए और फैंस के लिए भी। अब इस वर 5 पे आता है स्पाइडरमैन। तो दोस्तों पीटर पार्कर का मौत टोनी स्टार्क के लिए बहुत ही दर्दनाक था। जब थेनस अपनी उंगली की मदद से एक चुटकी बजाता है तब बहुत सारे हीरोज सडनली धूल में चेंज हो जाते हैं,
लेकिन पीटर पार्कर का डिसअपीयरेंस सबसे लास्ट में हुआ था और डिसअपीयर होने में भी टाइम लगा था। एक्चुअली में दोस्तों देखा जाए तो पीटर पार्कर बिल्कुल भी जाना नहीं चाहता था और वो हर एक चीज करने के लिए रेडी था जिससे कि यूनिवर्स सेव हो सके। लेकिन दोस्तों आखिरकार जो होना होता है वो होता ही है। टोनी स्टार्क भी इस मामले में कुछ नहीं कर पाता है और ये डेड टोनी स्टार्क के लिए बहुत ही हार्ड वर्किंग मोमेंट था। अब इस वक्त फोर पे आता ही जोंडो। दोस्तों गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी में आप जोंडो को तो देखे ही होंगे, लेकिन दोस्तों गार्डियन ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में जोंडो के बारे में कैरेक्टर के हिसाब से और भी थोड़ा जानने को मिला था और इसमें हम ये नोटिस किए थे कि इसका एक सॉफ्टवेयर साइड भी है। वॉल्यूम 2 वाली मूवी में सबसे हार्ट टचिंग चीज जोंडो और पीटर क्विल का रिलेशन होता है। एक्चुअली में दोस्तों ईगो ही क्विल का असली फादर होता है, लेकिन जोंडो फिर भी क्विल को एक बेटे की तरह ही रखता है। मूवी के एंड में क्विल को बचाने के लिए अपने लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया था। दोस्तों इससे ज्यादा और हार्ड वर्किंग क्या हो सकता है? और दोस्तों किसी को बचाने के लिए अपनी जान को सेक्रीफाइस कर देना बहुत ही बड़ी बात होती है। अब इस वक्त 3 पे आती है ब्लैक विडो। दोस्तों भले आप सभी एवेंजर के डेथ को ध्यान से देखे होंगे, लेकिन दोस्तों ब्लैक विडो को फिर भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सभी 6 में से ब्लैक विडो एक स्ट्रॉन्गेस्ट और एमसीयू की बिलव्ड पार्ट थी। जब हम देखते हैं कि ब्लैक विडो और हॉकआई सोल स्टोन को लेने जाते हैं तब किसी एक का मरना जरूरी होता है और ये टाला नहीं जा सकता था। तभी ब्लैक विडो बड़ा सेक्रीफाइस करती है क्योंकि हॉकआई अपनी फैमिली के साथ रह सके। ये तो कुछ नहीं दोस्तों, दोनों खुद के सेक्रीफाइस के लिए एक दूसरे से लड़ भी पड़े थे और इसके वजह से ये डेथ और भी हार्ड वर्किंग बन गया था। अब इस और 2 पे आता है लोकी। दोस्तों एमसीयू में लोकी के कई सारे अप और डाउन्स रहे हैं, लेकिन थॉर रैग्नारोक में वो फाइनली डिसाइड करने लग गया था कि वो अपने हीरो साइड में आएगा। लोकी का मुलाकात थेनोस से भी होता है जो कि स्पेस स्टोन को लिए आया होता है, लेकिन आखिर में लोकी स्टोन देने के लिए रेडी होता है क्योंकि वो अपने भाई थॉर का लाइफ को बचा सके। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बहुत ही दुख की बात यह है कि लोकी लास्ट में मारा जाता है और उसका भाई थॉर सब कुछ देख के कुछ नहीं कर पाता है। लोकी थेनोस के ऊपर ट्रिक्स भी यूज करता है लेकिन दोस्तों वो कुछ काम नहीं देता है। ऐसे कैरेक्टर्स को इस तरह से मरता देख बहुत ही दुख लगता है, जबकि दोस्तों वो बस अपने भाई थॉर का जान को बचाना चाहता था। और दोस्तों थॉर के आंसू और गुस्से की वजह से एंड गेम के स्टार्टिंग में थॉर थेनोस का गर्दन उधेड़ दिया था। फाइनली दोस्तों अभी नंबर 1 पे आता है आयरन मैन। दोस्तों जो सब स्टार्ट किया था अगर उसका डेथ देखने को मिल जाए तो एमसीयू में उससे ज्यादा हार्ड वर्किंग मोमेंट और क्या हो सकता है। टोनी स्टार्क अपने लाइफ को एक सेल्फिश मैन के हिसाब से स्टार्ट किया था और जब खत्म होने को आया था ये यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सोच रहा था। जैसे ही आयरन मैन को थेनोस से इन्फिनिटी स्टोन मिलता है तभी आयरन मैन अपनी उंगली की मदद से एक स्नैप करता है, जबकि उसको पता था कि स्टोन का इतना पावर है कि उससे उसका मौत भी हो सकता है। और लास्ट में दोस्तों वही हुआ, आयरन मैन मर गया। और दोस्तों ये सीन की वजह से एंड गेम बहुत ही हिट हो गया था। चाहे दोस्तों कुछ भी हो ये सभी फैंस के लिए बहुत ही हार्ड वर्किंग मोमेंट था और ये सीन देख के आज भी फैंस रोते हैं। तो दोस्तों यही था टॉप 10 हार्ड वर्किंग डेथ ऑफ एमसीयू के बारे में। और कौन सा हार्ड वर्किंग मोमेंट आपको सबसे ज्यादा दुख लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम अब तक ऐसे ही ऑसम कॉन्टेंट पहुँचाते रहेंगे। तो दोस्तों मुझसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियोस में।